चैनल शिक्षा ले। तो आज हम बात करेंगे एमसीडी बीओई की वेकेंट पोस्ट के बारे में, कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो अशोक सर ने जो ट्वीट किया था उसके बाद काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए, बट मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी कई बच्चों के काफ़ी सारे डाउट है। जैसे कि कई पूछ रहे थे कि सिलेबस चेंज हो गया, कईयों को ये डाउट है कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया क्या, और भी बहुत सी चीज़ें आपकी देखने को मिली। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हों या फिर कंबाइंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हों या एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हों, सारी चीज़ें मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूंगी आपकी। और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो 20,000 DOE में नंबर आ रहा है वेकेंट पोस्ट का, और वैकेंट पोस्ट का, और NDMC में, ओ सॉरी MCD में आपका आ रहा है 5,750, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 26,000 समथिंग वैकेंसी आपकी प्लस बन रही है। तो अब यहाँ पर बच्चों का क्या डाउट आ रहा है कि मैम ये सारी वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी या फिर हो सकता है कि इससे कम देखने को मिले। अभी तक जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही थी वो आ रही थी आपकी DOE की तरफ से, चाहे वो वैकेंसी की डिटेल हो या फिर सब्जेक्ट वाइज। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर हमें MCD के भी जो वैकेंट पोस्ट हैं उन चीज़ों के बारे में देखने को मिला। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है कि ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पहले जो DSSB होता था, वो DSSB के तीन डिपार्टमेंट हैं जो टीचिंग एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, और सेम एग्जाम पैटर्न, सेम सिलेबस, सारी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। पहला होता है DOE, दूसरा होता है MCD, तीसरा होता है NDMC, ठीक है। सबसे कम वैकेंसी इसमें देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों में अच्छी खासी वैकेंसी आपको टीचर्स की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको याद होगा लास्ट ईयर या कुछ इस टाइप से ही होगा कि DSSB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कंबाइंड एग्जामिनेशन का, ठीक है। अब यहाँ हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि जब आपका सिलेबस सेम है, जब आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, तो आप इन चीज़ों को कंबाइंडली एग्जाम क्यों नहीं लेते, ठीक है। और DSSB ने भी पहले ये इन्फॉर्म किया था नोटिफिकेशन के माध्यम से कि हम आगे से जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे वो कंबाइंड एग्जामिनेशन ही होंगे। अब यहाँ पर उन बच्चों का क्या फ़ायदा है, बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए हैं कि वैकेंसी बढ़ेंगी, वैकेंसी घटेंगी, या फिर कहीं एग्ज़ाम तो टफ नहीं हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि अगर आपका कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। क्यों, यहाँ पर एक बात बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा MCD में भी सिलेक्ट हो गया और DOE में भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसे जॉब तो एक ही लेनी है, तो अब वो वहां से एक किसी एक को प्रेफरेंस रखेगा, दूसरी को छोड़ देगा। अब वो वैकेंट जो पोस्ट जिसमें उसका सिलेक्शन दूसरी में भी हुआ था वहां वो खाली रह गई। तो आप इस चीज को याद रखिए, हर चीज को पॉजिटिवली लिया करें, ना कि नेगेटिव वे में लिया करें कि कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा तो टफ होगा। देखिए, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगी तो आपको ये याद रखिए कि सिलेक्शन होने का एक जो कहते हैं ना उम्मीद कह लीजिए या फिर कह लीजिए चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जितनी कम होगी उतना ही आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे। यहाँ पर आपको कई चीज़ों में टाइम मिल चुका है, बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, लेकिन अगर अभी भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो फिर आप ये याद रखिए कि आप खुद सोचिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ, यहाँ पर एक तो ये डाउट आया, ये मैंने क्लियर कर दिया कंबाइंड एग्जामिनेशन का। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो भी NCD, DOE और NDMC जो भी वेकेंट पोस्ट हैं आपकी, उन वेकेंट पोस्ट पे आप कंबाइंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर ये 20,000 समथिंग वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 6,500 मान लीजिए, मतलब ओवरऑल जो वैकेंसी है ये 26,000 हमारी है, ठीक है। अब ये इसमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर ये जो 26,000 दिखा रहे हैं ना, इसमें हमारी गेस्ट टीचर्स भी हैं और हमारी वेकेंट पोस्ट भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारी वेकेंट पोस्ट भी हैं। तो जब वेकेंट पोस्ट हैं तो आप एक बात याद रखिए कि जो गेस्ट टीचर पहले से काम कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें भी यहाँ इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने मतलब ये कहा है कि जल्दी से जल्दी आप सीट को परमानेंट टीचर्स को दीजिए, ठीक है, परमानेंट टीचर्स को दीजिए, प्लस जो गेस्ट टीचर का एक, क्योंकि कई गेस्ट टीचर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन इस पे फोकस किया गया था कि गेस्ट टीचर को किस तरीके से परमानेंट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए कि सारी चीजें ना आपके हाथ में है,
किसी भी तरीके से इन सब चीजों को ग्रैप करेंगे तो आपके लिए बेटर है, वरना फिर वीडियोस ही देखते रह जाइए, अगले साल भी ऐसी वीडियोस आपको बहुत दिखाई देंगी। मैं बहुत कड़वा बोल रही हूँ लेकिन सच बोल रही हूँ, ठीक है। तो कंबाइंड एग्जामिनेशन का आपका पता चल गया। अब आ गए लास्ट एक डाउट के बारे में, जो कि है सिलेबस चेंज होगा या नहीं। आपको ये चीज पता है डीएसएसबी की एलिजिबिलिटी भी सेम है, ठीक है, चाहे आप एनडीएमसी का एग्जाम देते हो, चाहे आप डीओई का एग्जाम देते हो, या फिर आप एमसीडी का देते हो, सबकी एलिजिबिलिटी सेम है, सिलेबस सेम है, सारी चीजें सेम है, पैटर्न सेम है। तो आपको ये चीजें किस मतलब किस तरीके से आप सोचने लग जाते हो कि सिलेबस चेंज होगा, और अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो वो सबके लिए होगा, आप अकेले नहीं होगे, ये याद रखिए, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझने वाली है कि जो भी चेंजेस होंगे वो सबके लिए होंगे, आप अकेले के लिए नहीं होंगे, लेकिन इन चेंजेस के साथ साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। फिर लास्ट में मैं बता देती हूँ 31 जुलाई, अब यहाँ पर ये बात की गई है जो भी वेकेंट पोस्टन, चाहे वो एमसीडी में हो या एनडीएमसी में हो या फिर आपकी डीओई में हो, इन वेकेंट पोस्ट को फिल किया जाए 31 जुलाई से पहले, ठीक है, या तो नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे क्या कंफ्यूज हो रहे हैं कि 31 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, आप चीजें थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहां पर मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना आपको, इन्हें समझ लीजिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब वैकेंसी एकदम से आएंगी ना, आपको सीरियसली पता चलेगा कि किस तरीके से आपको कितना आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। तो होप सो मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी होंगी। अब हाँ, एक चीज और, एज से रिलेटेड कई बच्चों के डाउट आते हैं, तो मैंने एक पूरा कैलकुलेशन करके एज से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक लास्ट चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं ना, तो इसके बाद मेरी एक वीडियो आएगी, या तो आज ही मिल जाएगी या फिर कल 11 बजे मिलेगी आपको, जिसमें कि पार्ट ए की यानी कि जनरल पार्ट की जो तैयारी है वो बताऊंगी डिटेल में कि किस तरीके से करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन पार्ट ए जो है आपका वो आपकी मेरिट को, मतलब ये कह लीजिए आपके रिजल्ट को इनहेंस करेगा, ठीक है। तो डिटेल में चीजें बात करेंगे, तो वेट कीजिएगा। और हाँ, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही है कि हमारा एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए टीजीटी एसएसटी, डीएसएसबी, डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी, सीटेट और इन सब की टेस्ट सीरीज हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर आप एनसीईआरटी नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। दूसरी चीज ये कि अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हो जो जीएस वाली है आपकी, जिसमें कि पूरा प्रीवियस ईयर को पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है और एनालिसिस करके चीजों को रखा गया है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और कोई डिटेल आपको चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैं सारे डाउट क्लियर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।